राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बीच वसुंधरा राजे ने एक बयान में सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। राजे के ट्वीट कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल के शासन को याद दिलाया है। राजे ने बताया कि कांग्रेस के इस कुशासन से हर वर्ग आहत हुआ है और हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल में बहन बेटियों का उत्पीड़न, हर रोज निर्दोषों की हत्याएं, आए दिन गरीब व दलितों पर अत्याचार, बार बार पेपर लीक से व्यथित युवाओं की पीड़ा को देखा है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप सब राजस्थान में बदलाव के संकल्प को पूरा करें तथा अपने वोट की ताकत से नाकारा कांग्रेस सरकार को विदा करें। केंद्र की बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए राजे ने कहा कि सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अंत्योदय के पथ पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय पर काम किया है। इसी ध्येय वाक्य को अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में कीर्तिमान कायम कर दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचाया है। इसलिए आज सब लोग हमारी सरकार के विकास को याद कर फिर से कमल खिलाने को आतुर हैं। वहीं एक सर्वे के मुताबिक हाड़ौती की कुल 17 सीटों में से बीजेपी को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महज 1 से 5 सीट के बीच सिमटने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट पर नजर आ रही है। बता दें कि हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का इलाका है। बता दें कि हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पूर्व सीएम वसुंधरा इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। सर्वे के मुताबिक राजस्थान की कुल 200 सीटों में से बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस महज 59 सीटों से 69 सीटों के बीच सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं।